बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यार। सबसे पहले हम सफ़र की दुआ पढ़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सफ़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल हुल्लु लिल्लाहि ला तज़िरु वज़रा वला वज़रा वमा फ़िस समावाति वमा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यश्फ़ऊ इन्दहु इल्ला बिइज़्निही यअ'लमु मा बैना अय्दीहिम वमा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशय्इन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ु वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सेम प्लेस, लेकिन अभी एक बज रहा है और अभी मैं बड़े आहिस्ता से बात नॉर्मली करूँगा क्योंकि मैंने आज माइक सेट किया हुआ तो है, लेकिन मेरे गोप्रो पे आप देख सकते हो कि वाटरप्रूफिंग नहीं हुई हुई फ़िलहाल। हीरो 4 है तो इस पर वाटरप्रूफ केसिंग होती है और उस केसिंग की वजह से आई कॉन्ट यूज़ अ माइक ऑन इट। लेकिन अभी मैंने माइक यूज़ किया हुआ है और मौसम बारिश वाला है। जहाँ पे मुझे बारिश लगी कि बारिश आ रही है और गोप्रो भीग सकता है, वहाँ पे मैं ये माइक उतार के इस पर वाटरप्रूफ केसिंग चढ़ा दूँगा और वहाँ पे हम फिर से उसी दिन की तरह एक व्लॉग बनाएंगे जिस तरह मैंने लास्ट बनाया था। उसमें आवाज़ का थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन फ़िलहाल तो माइक बिल्कुल मेरे जो है ना मुँह के आगे लगा हुआ है। अभी मैं आपको फूंक मार के भी टेस्ट करा देता हूँ, चेक किया कैसे क्लियर फूंक आ रही है आपको। अच्छा, तो यार सीन अभी ऐसा है कि मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ E9 साइड पे, PF हॉस्पिटल साइड पे। वहाँ पे मुझे तीन दोस्त ज्वाइन करेंगे और उनके साथ आप लोगों ने उनको शायद ही पहले कभी व्लॉग में देखा, नहीं कभी नहीं देखा, इंस्टाग्राम पे शायद एक मिनी व्लॉग में देखा था, लेकिन अभी आप होपफुली उनको इस व्लॉग में पूरा देखेंगे। पूरी तरह उनका इंट्रोडक्शन शायद करवा दूं, लेकिन वो मेरे कह लें बचपन के दोस्त हैं, बहुत ही बचपन के दोस्त हैं यार, वाकई बचपन के दोस्त हैं। एनीवेज़, तो अभी ये सीन है कि मैं श्रीनगर हाईवे पे इस टाइम आ चुका हूँ। आज 4 अगस्त है, कल 5 अगस्त है, जिस पे वो यौम कश्मीर भी एक तरह से फिर से मनाया जाता है डार्क डे, क्योंकि भी आप सारे बोर्ड लगे हुए देख रहे हो वही है। अभी खैर मैं इस रोड पे इसलिए नहीं चलता होता कि इस पे झटके ज़्यादा लगते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हेलमेट में स्टेबलाइजेशन है। हेलमेट बहुत भारी है मेरे सर पे और हेलमेट के अंदर मैंने पहनी हुई है टोपी, जिससे मेरी इस टाइम सर की जो पिछली साइड है वो छिल रही है। मैं ये इनको ना F10 रुक के ना, जहाँ पे मेरे दोस्तों ने मुझे मिलना है वहाँ पे रुक के मैं ना इसको सेट करता हूँ, और वो भी इस टाइम रास्ते में हैं और मैं भी रास्ते में हूँ। खैर देखते हैं मीटअप पॉइंट पे कौन पहले पहुँचता है। आई गेस वो पहुँच जाएंगे क्योंकि वो होंगे GS 150 पे। ये शोर तो ख़त्म करें ना इसको हम, ये हो गया जी ये शोर ख़त्म। एनीवेज, तो आप लोग सुनाएं कैसे हैं। जस्ट लेट मी गेट माई एनक फिक्स्ड। और हेलमेट बड़ा तंग कर रहा है, सब्र करें जी, इसका हम ढीला करेंगे जिससे हम। हाँ जी, तो बताएं क्या हाल है जी। तो ये इस्लामाबाद का मौसम आज फिर ये मानसून की बारिशों की वजह से बड़ा प्यारा हुआ है। बारिशें हो रही हैं, कल बड़ी फिट बारिश हुई थी लेकिन बहुत तेज़ हुई थी, बहुत ज़्यादा। F11 में मैं था उस टाइम तो पानी उधर भी खड़ा हो गया था सड़कों पे। निकल जल्दी गया था। कश्मीरीज लिव इन कॉन्स्टेंट फियर एंड व्हाट एल्स डज इट रीड, आई डोंट नो। हाँ खैर, आप इंजॉय करें, मुझे दरमियान में जहाँ जहाँ कोई बात नज़र आई याद आई करता जाऊँगा मोटो व्लॉगिंग का। कह लें चलें दिस इज़ द वेरी फर्स्ट मोटो व्लॉग आई विल बी अपलोडिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल, रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट इज़ मेड, हाउ इट लुक्स, आई स्टिल एम गोना पुट इट ऑन माई यूट्यूब चैनल। सीन्स कुछ ऐसे हैं चीन टपाक ढम ढम। यार ये छोटे छोटे मैंने सफ़र शुरू किए हैं इस 70 पे करना। दिस इज़ नॉट अ 70 एनीवेज, दिस इज़ अ 70, आई कॉल इट अ 70 या अख्तर गली अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा है तो। एनीवेज, तो हम जा रहे हैं इसी 70 पे सफ़र करने। हम G10 से जाएंगे, मैं G10 से जाऊंगा, हम नहीं, मैं सॉरी। कल ही मैं और इकराम एक जगह ख्वार हो रहे थे
इकराम को आप जानते हैं, इकराम पहले भी एक व्लॉग में आया, इकराम अब तो काफ़ी इंस्टाग्राम की वीडियोस में भी आ चुका है, इकराम आवर वेरी ओन इकराम खान अफरीदी, इकरामुल्ला खान अफरीदी। खैर बारिश का फ़िलहाल तो कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन जिस साइड पे हम जा रहे हैं उधर बारिश है मेरे ख्याल से, क्योंकि बादल देखे ना उस साइड पे बड़े काले हैं, इस तरफ तो खुले हुए बादल हैं रुई के फपोलों जैसे, रुई जैसे फपोले, दिल के फपोले, व्हाट इज़ रुई के फपोले। अस्सलाम वालेकुम अंकल, संगे का न संगे। ये भाई भी यहाँ खड़ा है, एनीवेज मिट्टी आ रही है बॉयज, यहाँ पे जब तक ये कंस्ट्रक्शन नहीं ख़त्म होती मिट्टी तो नहीं ख़त्म होने लगी। वही जामुन लगे हैं जामुन, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया 100 बार शुक्रिया। इशारा खुला है, हम इसी इशारे से राइट हो जाएंगे, क्योंकि उधर तो सामने का खुला है। आए आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ, इस इशारे के बाद खुलेगी वो वाली साइड, उसके बाद खुलेगी सामने वाली, क्योंकि इस इशारे पे जाना आना मेरा डेली का काम है, तो इसलिए मुझे पता है कि इस इशारे के बाद कौन सा इशारा और किस इशारे के बाद कौन सा इशारा खुलेगा। हमने अपने आप को इशारे से बचा लिया, वो खुले यारों ने मेरे पास। अब मैं इधर से क्यों गया हूँ मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, क्योंकि अगला इशारा जो है वो ये वाली साइड खुली है, फिर सामने वाली खुलेगी, फिर वो वाली खुलेगी, तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना हम अपने आप को एक ऐसी लेवरेज पॉइंट से ले जाएं जहाँ पे हमें इशारे पे खड़ा ही ना होना पड़े। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया 100 बार शुक्रिया। मैं ना थोड़ा सा अजीब किस्म का आदमी, मुझे ना टेढ़े मेढ़े करके जाना पसंद है, अनलेस आई वाज ऑन दैट हाई स्पीड इन्फिनिटी कार रॉयल, उस पर मैं एक सीधी रोड पे स्पीड में जाने का शौक़ रखता था, मतलब स्पीड ज़्यादा मारता नहीं था लेकिन स्पीड में जाने का शौक़ रखता था। अब जैसे ये गाड़ी बहुत स्पीड से आ रही है तो ओ भाई साहब, हाँ जी ध्यान करो ना काका, अभी उड़ जाते साथ ही। खैर मेरी वीडियो में रिकॉर्ड तो हो जाता, हम इसको बाद में दिखा देते कि भाई सब देख लेते हैं किसकी गलती है, आ जाओ पुलिस को बुला लो। इशारे होता नहीं हो लगे। देखो मैं इधर से इसलिए आया हूँ कि मेरा दिल कर रहा था कि इस रोड पे भी चल आना है ना, ये हमें बड़ी पसंद है ये रोड भी, F10 वाली जो बाहर की रोड है ना। खैर अगर आप इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लामाबाद में रहते रहे हैं या इस्लामाबाद की नुहाव रखते हैं इसकी सड़कों की, तो आपको पता होगा मैं जिस रोड को फॉलो कर रहा हूँ, अनइवनली आई एम फॉलोइंग दिस रोड बट आई लव दिस रोड। एनीवेज हम इस टाइम दाखिल हो चुके हैं F10 की हदूद में, क्योंकि उस साइड पे G10 है और इस साइड पे F10 है, ये सारा F10 है क्या, खोलो। अच्छा यार नहीं यार, मेरे इस टाइम ना मुझे बड़ी उलझन हो रही है ये हेलमेट पहने हुए, मैं अभी ज़रा रुक के इसको सेट करता हूँ, कासिम वगैरह से पूछता हूँ कि कहाँ हैं, और उसके बाद उन्हें बताते हैं कि यार हम तो हैं यहाँ। अब जो उस्मान की वर्डिंग है ना वो ये है कि भाई 20-25 मिनट लगेंगे मेरे गांव के और तेरी 70 चढ़ जाएगी वहाँ पे, 70 चली जाएगी, लेकिन हमारे साथ बैठा कौन होगा ये भी तो डिपेंड करता है ना। खैर 14 अगस्त इज़ अराउंड द कॉर्नर, इसलिए पाकिस्तान के इतने ज़्यादा झंडे आपको नज़र आ रहे होंगे।
यार मैं 2 दिन पहले मैं इधर आया था F9 और इधर के स्विमिंग पूल में अवैस के साथ, अल्लाह, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, माशाल्लाह। एनीवेज इस टाइम यार मैं बहुत उलझन में हूँ अपने इस हेलमेट की वजह से, कि हेलमेट और टोपी और ऐनक दी वर्स्ट कॉम्बिनेशन आई गेस एवर। खैर हमारा मीटअप पॉइंट है PAF हॉस्पिटल, वहाँ तक मुझे पहुँचने में ऐसे कोई 2 मिनट और लगेंगे। घर से निकले हुए मुझे आपको पता है कोई 15-1 मिनट हुए, क्योंकि 1 बजे हम निकले थे और अभी 1:15 होने वाले हैं। ये क्या पानी बड़ा है? नहीं, अच्छा तो अभी ये देख रहे थे क्या घड़ी पे पानी तो नहीं आया हुआ? नहीं आया हुआ जी, बचत हो गया। अच्छा हम खड़े हैं इधर PAF हॉस्पिटल के पास। मैं इसके ऑपोजिट साइड पे जाके खड़ा हो जाता हूँ ताकि फिर मैं अपने हेलमेट चेलमेट सही कर लेता हूँ, उनको कॉल कर लेता हूँ। नहीं जी, हम इधर देख के सजी दिखा के खब्बी मारने के हम आदि हैं। हारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, यहाँ तक ही आया हूँ, पानी देना। ओहो यार, ये उस्मान है, ये मेरी ऐनक नहीं है, ये अब्दुल्ला है, इसने मुझे ऐनक लगवाई है, इसने मुझे ऐनक लगवाई है, इसने इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। बैक पेन टूरिंग वाले बंदे के साथ बैठा है। मैं तो 125 प्लस मानी था, मैं इसी का 125 150 है उसकी। ए अब्दुल्ला, ए चलो सुना, लड़के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तू सुना। अस्सलाम वालेकुम। जाते वालेकुम सलाम, जाकर तो नहीं खड़ा हुआ हैं? नहीं नहीं, अभी बस पहुंचा था, 3-4 मिनट ही हुए हैं। आके मैंने हेलमेट सेट किया यार, सर मैं वो टोपी पहनी भी अंदर ना छील रहा था पीछे सर, वो बड़ा गंदा। हाँ हमने फिर भी खिलाए इतने खाने। हाँ ठीक है, डन। नहीं हम केक खाते नहीं, मीठा खाते नहीं। ठीक है ना, खाओ, मुझे खाना खिला दो। नहीं नहीं, खाना खिला दे। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था भाईयो। प्लान तो यहीं बढ़ गया, वापस जा रहे। तो ले लेना ना, हम जा रहे हैं, शमीर लेते आएंगे आगे, मुझे रास्ता पता है, सिखाऊंगा। अबे साथ साथ चलो ना, तेरे गांव से मिलता है ना, तेरे गांव से मिलता है ना, क्या हो गया तेरे गांव? वही तो फिर जा ना, गांव वहीं से ले लेंगे ना। चंगे मतलब गांव के जो हमें अपने गांव लेके जा रहे हो, क्या खाना खिला देंगे। हाँ तो ठीक है ना, खाना खिलाएगा तो वही खिलाएगा, पैसे तू दे देंगे बस। मेरे पास होते मैं यहाँ होता, तू खुद बता शमीर, ऐसे मौसम में मैं यहाँ होता। हाँ ये बात भी है यार, अगर ऐसी रोड हो फिर तो ठीक है। ऐसी रोड नहीं, आगे बड़ी गंदी रोड है। कोई बात नहीं, पैदल तुझे ही चलना पड़ेगा, कोई नहीं। खैर मैं चलूंगा, तू नहीं नहीं, तू उसकी पे बैठी, वो 3 बिठा के आराम से चढ़ाएगा। ओ यार तू उस पे चलाई, तू पीछे बैठी, बाइक मैं चढ़ा दूंगा, टेंशन मत। वो तो ठीक है, बैग पहना हुआ है ना? ना भी पहना हुआ तो इसमें कौन सा कुछ जरूरी होगा। हां वही कल मैंने अब्दुल्ला को कहा, सर ये किया क्यों था इसी दुकान से, नजर टेस्ट कराने गया था सर में दर्द। मैंने कहा, कहता है वो तेरा था क्या,
मैंने कहा यार अभी ऐसे करे करे, इतने पेशेंट्स आते हैं, मुझे क्या याद रहेगा तेरा क्या था। मैंने कहा तो बदतमीज इंसान दोस्त का ही भूल गया। कहता है दिखा तो सही, तू पुरानी पर्चियाँ भी नहीं लाया ना। मैं कहा नहीं, वो बैग में ही होती हैं हर टाइम। देख के कहता है तेरी दोनों आँखों में था। मैं कहा मैं चपेड़ लगाऊंगा, तूने ही कहा था कि एक में है दूसरी में, मैं कन्फ्यूज़ रहा हूँ। कहता नहीं अच्छा लेवल किया था। मैं कहा तूने कहा पहले दोनों ख़राब करूँ फिर दोनों सही करूँगा। मैं कहा तू पागल तो नहीं है। फिर मैं इसकी दुकान से उठ के आ गया। मैं भाई नहीं, अगला कहता है अगली कर सही सर 0.5 की है। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। हाँ वही सिलेंडर वाला थक गया। कहता है मैंने कॉन्टीन्यूसली लगाई है, मेरे सर में दर्द होना दोबारा से ना हल्का बहुत रेयरली, मगर कश्मीर गया उस्ताद वापसी में ना मेरे ना उल्टी आँख के ऊपर, मतलब उल्टी आँख के अंदर ऊपर की साइड में, मतलब जैसे ये आँख है ना यहाँ पे पिन पॉइंट दर्द हो रहा कि इस जगह दर्द हो रहा है पिन पॉइंट। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, ये 2-3 बार अब ऐसे दर्द हो चुका है, ज़रा माइग्रेन शाइग्रेन भी चेक करवाऊँ अपनी कि वो तो नहीं रहते। हाँ ब्लू कट है, ग्रीन कलर वाला। मतलब तुमने भी इसे अच्छा खासा चश्मा लगाया? नहीं नहीं 2,000 रुपये का, ज़्यादा नहीं। मतलब मेरे साथ तो अलग चश्मा नहीं है। तेरे तो 9,000 का लगा है ना, फ़र्क है ना। तुम मैं अलग हैं, फ़र्क है फर्क। देखियो ये कहाँ से जाना है। हाँ हाँ वही आ रहे हैं। अजय तो शाह जी गाइज ये सीन है कि ये अभी हम जा रहे हैं, वो आगे जो लड़का बाइक चला रहा है ना GS 150 मलक उस्मान साहब, अगेन वी आर इन द मलक्स, और मलक उस्मान के गांव जा रहे हैं। ये रास्ते पे मैं वैसे ही पहले जा रहा हूँ, पहली दफ़ा जा रहा हूँ, और देख लो वो मेरा 7th क्लास से दोस्त है, और आज मैं 4 बार 7th पास कर चुका होता, मतलब कितने 15 साल हो गया। 15 साल में पहली दफ़ा हम इसके गांव जा रहे हैं ऐसे 20-25 मिनट के फासले पे। हम कासिम को वो लेके गया एक दफ़ा, कासिम से ज़्यादा दोस्ती है ना उसकी। यहाँ कासिम खाने ज़्यादा अच्छे खिला देते हैं। तो नहीं है दादा। नहीं यार, तो हम ये थे। हम नहाने गए थे। अच्छा कासिम घर में नहीं नहाता, गाँव जाके नहाया। ये रहा जी गुड है। मैंने आज मोपा की डिग्री अटैच कराने के लिए एक बंदे से मिलने जाना था, इसने मुझे इधर पटक पकड़। हाँ तो जब बंद हुआ हुआ आजकल। क्यों? उनके छत लीक हो गई है। अच्छा अच्छा, अबे यार काश में एक दिन में हो जाती है मोफा टेस्टेशन। तू जा सुबह सुबह चला जाए, क्यों किसी का एहसान लेगा। नहीं जब भी खुले यार, वो तो उस बंदे ने मुझे कहा था मुझे G7 को रहता था, तो सारी अपडेट अटैच करवा दो खुद मोफा में। तो G7 उसको पकड़ाते हुए आ जाते इसमें, और क्या यार। मेरे ख्याल से मैं 25 मिनट तो हो गए चले हुए यार, आ जाना चाहिए था अब तक। अच्छा लो जी फिर गौरी आया जी। अच्छा यार सीन ऐसा है कि हम बारिश में, आपको मैंने बताया था कि हम कवर लगाएंगे गोप्रो पे, तो उसको अभी हम लगा लेंगे, थोड़ा सा हम बर्दाश्त कर लेंगे। देखो चला गया, बस गुड है। उसको मैंने कहा था जितने जल्दी होता है उसको तो भेजो ना, तू भी चला जा। अच्छा तो गाइस बाकी का रास्ता आपको हम दिखाएंगे वाटरप्रूफ केसिंग में, मुझे उस्मान लोगों तक करके ना वो करने दो। उसको उस्मान अब्दुल्ला को कॉल करके कहे 2 मिनट रुकना, मैं इसका ना गोप्रो बंद करना है, उसमें करना है केसिंग लगानी है गोप्रो पे। ऊपर जाने
उस्मान अब्दुल्ला को अपने गांव का इलाका समझाता जा रहे हैं। अब्दुल्ला ये सारी तुम्हारी जगह है, मालकों ने कब्जा किया। मैं एक मिनट गोप्रो वाटरप्रूफ केसिंग में डालने दे, बैग दे